Hello all, welcome to CSAT today. Let's go on to the next reading comprehension question for the day. We are doing 2020 paper. This is set A, question number 62, and it's an inference kind of question. Okay, so ye hamara passage hai. Question dekh lete hain ek bar. Which one of the following is the most logical and rational inference that can be made from the above passage? Okay, so sabse zyada logical or rational inference aapko dhoond ke nikalna hai. Okay, so ye char चार ऑप्शंस हैं. ये कोड वाला क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. सो यू हैव टू चूज वन ऑफ देम एंड दैट विल बी योर आंसर. लेट्स गो बैक टू द पैसेज. आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अटेम्प्ट करिए और फिर हमारे साथ हमें ज्वाइन करिए. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. इंडिया हैज ट्रिमेंडस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी. ओके, सोलर एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है इंडिया के पास. वी ऑल रियलाइज ओके दैट we have to stop burning fossil fuel to meet our energy needs. So since we have a lot of scope for solar energy, we should stop burning fossil fuel to meet our energy needs. Okay, but certain renewable resources are still going through their cost curves and learning curves to get the required amount of output. Okay, so hamare sare renewable sources abhi tak ready nahi hain. They are still going through their cost curves and learning curves. Okay, for maximum output. Now, the Indian government has strongly committed to its targets for reducing 33% by 33% by sorry, committed to its target of reducing emissions by 33% by 2030. So, Indian government ne kya target apne liye set kiya hai ki hum emissions ko reduce karenge by 33% by 2030. And towards this, वो क्या effort ले रही है? Towards this, it has initiated a strong push towards a gas-based economy and has also invested heavily in renewable energy. So, ये sentence क्या कह रहा है? कि Indian government ने अपने लिए target set किया है कि वो 33% तक emissions कम करेगी, okay, by 2030. इसके लिए क्या step लिया है? A strong push towards gas-based economy and renewable energy में हेविली इन्वेस्ट किया है. हाउएवर बिजनेस हाउसेस आर वेरी ऑफ इन्वेस्टिंग टू हेविली इन रिन्यूएबल एनर्जी एट अ टाइम व्हेन द टेक्नोलॉजी इज नॉट येट रेडी. सो ये क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ने तो ऐसा अपने लिए टारगेट बना लिया है, बट जो बिजनेस हाउसेस हैं दे आर स्टिल नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन दिस एरिया. यहाँ पे टेक्नोलॉजी अभी भी रेडी नहीं है. ओके, सो जैसे यहाँ पे बोला कि कॉस्ट कर्व्स और लर्निंग कर्व्स के थ्रू अभी भी जा रही है ये टेक्नोलॉजी. सो इसलिए बिजनेस हाउसेस क्या प्रेफर करती हैं कि अपना पैसा किसी ऐसे सिक्योर जगह में डालें. सो दिस एरिया इज नॉट येट सिक्योर एंड दैट्स व्हाई बिजनेस हाउसेस आर नॉट पुटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दिस एरिया. सो इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है बेसिकली इस एरिया को. लेट्स लुक एट द ऑप्शंस फॉर अ लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस. इंडियाज कमिटमेंट टू रिड्यूस एमिशंस बाय 33% इज अनलाइकली टू बी अचीव्ड. हाउ कैन वी इन्फर दिस? हम ये कैसे इन्फर कर सकते हैं? ओके, उसमें दोनों बातें लिखी हुई हैं कि इंडिया ने अपने लिए टारगेट सेट किया है और उसके लिए वो वर्क कर रहा है. गैस बेस्ड इकोनॉमी एंड दे हैव इन्वेस्टेड हेविली इनटू रिन्यूएबल एनर्जी. और ऑब्वियसली अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी दिया है कि बिजनेस हाउसेज आर नॉट इन्वेस्टिंग हेविली इन दिस एरिया. सो वी कांट ड्रॉ दिस इन्फरेंस कि ये होगा ही नहीं, अनलाइकली. वी विल नॉट गो बाय दिस. इंडिया शुड इम्पोर्ट. डिड वी टॉक अबाउट एनी अदर ऑप्शन ऑफ इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग गैस रादर देन इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? नो, वी कांट पास दिस जजमेंट ओके कि हमें इम्पोर्ट करने की जरूरत है. ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं दिया गया है पैसेज में. गेटिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू मार्केट टू सून मे बी कॉस्टली. दिस वेरी वेल एक्सप्लेन्स व्हाट द पैसेज इज सेइंग कि हम लाना तो चाहते हैं ओके, बट इट माइट बी मार्केट विल बी टू कॉस्टली. इतनी जल्दी इसको लाना विल कम आउट टू बी कॉस्टली. वाई? बिकॉज गवर्नमेंट एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए बिजनेस हाउसेज आर नॉट पुटिंग इन मनी. ओके, वाई आर दे नॉट पुटिंग इन मनी? बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज नॉट येट, बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट येट रेडी. सो इट कैन बी कॉस्टली टू गेट दिस थिंग इन द मार्केट. लेट्स रीड द फोर्थ वन ऑल्सो. इंडिया शुड पुट इन मोर एफर्ट्स इन एक्सप्लोरिंग नेचुरल गैस. ओके, नॉट वेरी लॉजिकल इन्फरेंस टू मेक कि ये डिस्कशन किया गया है कि टारगेट्स तो बना लिए हैं अपने लिए 33%, बट इन्वेस्टमेंट लाना मुश्किल हो रहा है.
So C comes out to be the most logical and rational inference that can be made from the passage. Okay, we'll not go by D as well. So this was the पैसेज. ये इन्फरेंस काइंड ऑफ क्वेश्चन था, एनवायरमेंट एरिया से था और आपको फैक्ट्स कनेक्ट करने की जरूरत थी. वे करने की जरूरत थी कि कौन सा हैवी है, कौन सा नॉट सो हैवी फैक्ट है. उस तरह से आप ऑप्शंस तक अपने पहुंच जाइएगा, आंसर तक. लेट्स लुक एट द कीवर्ड्स ऑन द पैसेज. ट्रिमेंडस का मतलब बहुत बड़ा, लार्ज. सोलर एनर्जी, एनर्जी डिराइव फ्रॉम द सन. फॉसिल फ्यूल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस. रिन्यूएबल क्या है? सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस. कॉस्ट कर्व्स, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट. ओके, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कर्व. लर्निंग कर्व, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इम्प्रूवमेंट्स ऑफ द लर्निंग्स दैट आर हैपनिंग फ्रॉम समथिंग. एमिशंस, रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट्स. गैस बेस्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी रिलाइंग ऑन नेचुरल गैसेस. वियरी का मतलब है कॉशियस. बिजनेस हाउसेज आर स्टिल नॉट वेरी रेडी टू इन्वेस्ट मनी. So these were the keywords from the passage. So that was it. Thank you all. Let's meet with the next PYQ tomorrow.